हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितने इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रकाश यानी कि लाइट से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटॉन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा या फैराडे के द्वारा। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तापित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? द्व्यपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण या परावर्तन। तो इनमें से ध्रुवण घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने, हाइगेंस ने, ग्रिमाल्डी ने या मैक्सवेल ने। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने या फोकॉल्ट ने। तो सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी ने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? कॉम्प्टन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या न्यूटन ने। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या अपवर्तन। तो इनमें से ध्रुवण की घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान या तरंग एवं कण के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है
कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या माइकलसन ने। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, निर्वात में, पानी में या कांच में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यम के तापक्रम में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है। तो माध्यम के तापक्रम में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, हीरा, कांच, जल, जल, कांच, हीरा, कांच, हीरा, जल या हीरा, जल, कांच। तो जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल जो निम्नोक्त है वो है जल, कांच और हीरा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड या 100 सेकेंड। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 मिनट या 3.6 घंटे। तो सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 8.5 मिनट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, वर्णमंडल, किरीट यानी कि कोरोना, प्रभा मंडल या कोई भाग नहीं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट यानी कि कोरोना भाग दिखाई देता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड या 600 सेकंड। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो या सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा को, किसी भी दिन या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के दिन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है या उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण
थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या परिक्षेपण के कारण। तो पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा, अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर या अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इनकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो जल के अंदर पड़ी हुई मछली प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण या प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।